हरे कृष्णा वृंदावन कथा सीरीज रे आपनको स्वागत। आज आम चर्चा करिबा बरसाना धाम रो चारोटी कुंड विषय चर्चा करिबा। चारोटी कुंडी हला प्रथम कुंड हला वृषभानु कुंड, द्वितीय कुंड चर्चा करिबा पीली पोखर, तृतीय कुंड चर्चा करिबा कीर्तिदा कुंड, चतुर्थ कुंड ती होची दोहनी कुंड। ए चारोटी कुंड हला बरसाना धाम रो सबठारे मुख्य। तो प्रथम कुंड आपण देखिपारुथिबे एठारे वृषभानु कुंड, जेमितिकि नारी जणा पडुछि ए कुंडरे प्रतिदिन वृषभानु महाराज स्वयं आसी से स्नान करुथिले, सेति लागि ए कुंडटीर नाँ हला वृषभानु कुंड। आउ एहा बरसाना धाम रो जे ब्रह्मगिरी पर्वत अछि तार उत्तर पूर्व दिगकु ए कुंडटी अछि, तो एटा हला वृषभानु कुंड। तापरे द्वितीय कुंडटी आज आमे चर्चा करुछे से कुंडटी हला पीली पोखर। बहुत सुंदर आ कुंड पछरे नाटी पीली पोखर कौन पाई हला गोटे सुंदर लीला अच्छी। दिनकर कथा एमती कि जे राधाराणी तांको सखी मानक सहित से खेलुले छोट बयस पिला माने खेलती किसी माठिया रे के भात करे के डाली करे के किसी तरकारी करते बाली माटी पानी पके कि पिला माने जेमती खेलती से खेलुले। से समय रे सेठारे दुर्वास आपण जाणिथिबे दुर्वास मुनि से कौन से बहुत क्रोध पाए से बहुत विख्यात। आ से समय दुर्वास मुनि सेठारे पहुंचिले गोटे साधारण गोटे गोपी थिले से माठिया रे किछ ना किछ खेलुथिले। दुर्वास मुनि हाथरे से देदेले कहले कि अरे मुनिवर मु खीरी तैयारी करछि टे खाइकि देख। दुर्वास मुनि राखी गले कहले मोर अपमान घोर अपमान मते बाली दौछु कौन खीरी कहिकि मते बाली दौछु मोर अपमान करछु भस्म करदेवि। से सान गोपी टी पूरा डरी गले डरिकी धाई सीधा राधाराणी पाक चली गल। कहे राधाराणी किए गोटे मुनि आसी कौन कौन अभिशाप दे दी भस्म करते राधाराणी कहे किए। तो राधाराणी आसिक देखुं अरे ये तो दुर्वास मुनि। तो राधाराणी कहे ठीक अच्छे ठीक अच्छे। तो से राधाराणी से खीरी पात्र टी ने दुर्वास मुनि हाथ में दे कहले कि अरे मुनि बोल आप सतरे टेस्ट कर स्वाद करना बालीटा कौन स्वाद करी बिना स्वाद करी आपण केमिति कहउचंति कि एटा बाली बोली। प्रथमे स्वाद करंतु तापर आपण कहिबे ना केमिति हिची। तो राधाराणी कर जो तांकर कॉन्फिडेंस ता देखि कि दुर्वास मुनि भी टिके आश्चर्य हेबले टिके आउ से माठिया रु टिके बाली से निजर पाटी रे पकउचंति। जेमिति से पकेले तांकु गोटे अद्भुत स्वाद गोटे लागिला अमृत भळिया तांकु लागिला। आउ से समय रे से जानि पारिले कि इस बालक बालिका टी कोई साधारण बालिका ही न पारे से जानी पारे कि ये हूँ स्वयं श्री राधे। आउ खुशी है दुर्वास मुनि राधाराणी को आशीर्वाद दे दुईट आशीर्वाद दे गोटे आशीर्वाद आपण हाथ में जहाँ भी आप व्यंजन बनैबे अमृत बढ़िया स्वाद हम। तृतीय आशीर्वाद जो भी व्यक्ति आपण हाथ रंधा खाद्य खाइबे सी कौन हे शरीर सब बड़े स्वस्थ रह। आउ जेमिति दुर्वास मुनि आशीर्वाद दे चलीगले सारा ब्रजरे चारिआड़े खबर टी चलीगला कि राधा राणी को दुर्वास मुनि आशीर्वाद दे। जेत जशोदा माता ये दुटी आशीर्वाद शुणिले से भाविले जदि कान्हाटे राधा राणी का हाथ में प्रसाद पाइब सबुदिन तो कृष्ण का देह सब स्वस्थ रही। तो से जशोदा माता कीर्तिदा माता को कहले कि राधा राणी को सब पठातु कृष्ण प्रसाद बनाया कीर्तिदा माता पठेले। तो सबुदिन राधाराणी बर्षना को बर्षना जाऊे नंदगा नंदगा कृष्ण से व्यंजन बनाऊ भोग बन से आसुले। तो जशोदा मत देखिले कि सबुदिन आसुची जाऊची तो ये कष्ट अरे आपको जो मुझे निज बहु रूप से स्वीकार कर दिए ये मो घरे का रही। तो से लगी कौन करे दिनकर कथा जशोदा माता राधाराणी हाथ से हलदी मेहंदी लगेदेले। जमी आप जानते जब का बहुत स्वीकार कर हाथ से आप हलदी लगे तो लगे राधाराणी भी खुशी हेले। तो राधाराणी जो नंदगार आउ थे बर्षना को आसे से बहुत डरी गले कारण वृषभानु महाराज कृतिदा माता को से कही ना बिना कहीकि जदि हाथ हलदी लगे आसवे कौन भावे घरे से डरी गले। डरिकी आप देखुं छवि पियाल सरोवर से निज हाथ टी धोईदे जमी से हाथ टी धोई पूरा सरोवर टी हलदिया कलर से दिन टी ना टी पड़गला पिली पोखर। पिली मान हलदिया हिंदी पोखर मान पोखरी। आज भी आप तो ये
ए जो पोखरी टी देखिए पीली पोखर पानी टी हलदिया कलर देखिए, पानी खास करके नील कलर था किंतु ये पानी टी हलदिया कलर, तो ये परे लीला टी हेतिला पीली पोखर। तापर तृतीय कुंड आम देखा, तृतीय कुंड टी होची कीर्तिदा कुंड, जो कुंड रे जेमिति वृषभानु महाराज जो कुंड को जाऊथिले स्नान करिया पय सेटा वृषभानु कुंड, जोटी कीर्तिदा माता जाऊथिले से कुंड टी हेगला कीर्तिदा कुंड, जोटी सबुदिन कीर्तिदा माता राधा रानी को मां स्नान करिया पय जाऊथिले। आ चतुर्थ कुंड टी आज आमे चर्चा करिवा ता हेगला दोहनी कुंड। दोहनी कुंड माने जो कुंड रे पाखरे वृषभानु महाराज तांकर 12 लक्ष गाई कर खीर दउथिले से कुंड से जागा टी रे ना हेगला दोहनी कुंड। को आजे के एते खीर सब ए कुंड रे सब ताको संग्रह करा जाउथिला और तापर चारियार सप्लाई होउथिला। दोहनी माने खीर दोहनी बा दोहनी कुंड। आ सुंदर लीला भी ए कुंड रे हेतिला, जोटी दिने कृष्ण आसीथिले त राधा रानी कहले कि अरे तमको खीर दुइया तमको आसुनी, आसो मु तमको खीर दुइया सिखै। कृष्ण रे ठीक अछि, तो गोटे गाई रि गोटे पटे राधाराणी बसिले आ गोटे पटे कृष्ण बसिले, आ राधाराणी केमिति क्षीर धुआ जाए कृष्ण को शिखाउछन्ति, आ कृष्ण देखुछन्ति। आउ से समय रे कृष्ण किछि नटखट करले, कोन नटखट करले, से गोटे गायंकर क्षीर धुइया समय रे से गायंकर गोटे निकोलटी को राधाराणी गाडु प्रेस करी गोटे जेट छाड़ देले, पूरा क्षीर टी राधाराणी चेहरा उपरे आसीगला। आ जाद्वारा राधाराणी भी रागिगले, से भी गोटे क्षीर रो गोटे जेट कृष्ण चेहरा उपरे छाड़ देले, कृष्ण का चेहरा उपरे भी क्षीर गोटे दाग आसीगला, तो दुहेकर चेहरा उपरे क्षीर दाग आसीगला। तो सुंदर ब्रज भाषा रे गोटे दोहा अछि, आमे सामे बैठे दो दोहत करो ठटोर, दूध धार मुख पर पड़त दिग्भय चंद्र चकोर। आमना सामना बसी छथि दि जन, आ दि जन कोन करछथि झगड़ा लागुछथि केमिति, दूध दार मुख पर पड़ दूधर धार दी जन को मुह पर पड़ी, आ से केमिति देखा जाती मान जमी पूर्ण चंद्रमार ऊपर जमी दाग थाए सेमिति राधाराणी पूर्ण चंद्रमार चेहरा उपरे ये दूधर दाग टी से देखा जा चंद्र चकोर। आ कृष्ण चेहरा नील चंद्रमा उपरे से दूधर धार पड़ी से गोटे चंद्रमा भाया देखा जाती, आ दुई जन दुहे को देखुंट। ये सुंदर लीला टी ये दुहनी कुंडार होता। एपरि भावरे आज आम बर्षण चारोटी मुख्य कुंड चर्चा करिले। प्रथम कुंड हला वृषभानु कुंड, द्वितीय हला पीली पोखर, तृतीय हला कीर्तिदा कुंड, चतुर्थ हला दोहनी कुंड। हरे कृष्ण।